वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म। आपने नाम सुना होगा थायराइड की दिक्कत। तो थायराइड की दिक्कत दो प्रकार से होती है, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब कम होना थायराइड, हाइपर मतलब ज्यादा होना थायराइड, हार्मोन होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थायराइड होता क्या है। देखिए, थायराइड क्या है, आपके जो गर्दन है उसकी विंड पाइप या कह सकते हो आप श्वास नली, इसके जस्ट ऊपर, श्वास नली के जस्ट ऊपर पाया जाने वाला एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जो क्या करती है, कुछ हार्मोन का सीक्रेट करती है, हार्मोन निकालती है। अब ये हार्मोन आपके काफी कामों में आते हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट में आपके काम आते हैं ये हार्मोन, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो याददाश्त है उसको बनाने में, आपके काम करने में, आपकी एक्टिविटी, आपको सोना, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन सब में ये काम करता है। तो अब बात करते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, कम होना या ज्यादा होना, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपो मतलब कम। कम क्यों होता है? अगर आप थायरॉयड कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं और उसको आपने बंद नहीं किया डॉक्टर कहने बाद भी और लंबे समय तक ले जा रहे हैं, तो इससे भी कम हो सकता है। या फिर आप नमक का सेवन, सोडियम का सेवन बहुत कम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद कि जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है और दूसरा हाइपर, हाइपर का मतलब बढ़ जाना। अब हाइपर होती है कोई चीज, बढ़ती है, तो क्यों, आपने नमक का सेवन ज्यादा किया, आप हार्मोन ज्यादा ले रहे हैं, आपका वर्किंग लाइफस्टाइल भी इस तरीके का है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, या फिर हो सकता है आपको कोई चोट लगी है थायराइड ग्लैंड के अंदर, हार्मोनल कोई चेंज हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, एमसी साइकिल के दौरान हो सकता है, कोई सर्जरी ड्रग लेते हैं आप उसकी वजह से, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी इम्यूनिटी अपने आप काम करने लग जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको ये प्रॉब्लम देखने को, फेस करने को मिलती है। अब बात करते हैं सिम्टम कैसे आते हैं। तो जहां तक सिम्टम की बात है तो काफी मेजर सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं और काफी सारे आप इससे पहचान भी सकते हैं। जैसे अगर हम हाइपो की बात करें कि अगर कम हो रहा है आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम हो रहा है, तो उसके क्या हो सकते हैं सिम्टम। तो देखिए, आपको ठंड लगेगी, ठीक है, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, आंखों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, चारों तरफ आंखों के स्वेलिंग आपको दिखाई देगी, कॉन्स्टिपेशन, बाल झड़ना, या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की या ड्राइव करने की इच्छा एकदम कम हो जाना, आप फैटिक, आलस रहेगा आपको, वेट में इंक्रीमेंट होगा, ये कुछ सिम्टम होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। अगर हाइपर की बात करें तो इसके अंदर उल्टा हो जाएगा जस्ट, उसके पसीना आएगा आपको, गर्मी लगेगी, धड़कन इसके अंदर कम हो जाएगी, उसमें तेज थी इसमें कम हो जाएगी, आपको दस्त लग सकते हैं, वेट लॉस हो जाएगा, उसमें वेट बढ़ेगा और इसमें वेट लॉस हो जाएगा, तो ये कंडीशन आती है। इसके अलावा कुछ सिम्टम होते हैं जो कॉमनली दोनों में देखे जाते हैं और इससे आपको थायराइड का पता लगता है। जैसे मेन सिम्टम की बात करें तो याददाश्त का कमजोर हो जाना, थिंकिंग पावर कम हो जाना, सोच समझने के कारण डिसीजन लेने की पावर कम हो जाएगी, ठीक है, आप बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, फ्लूइड का हाई हो जाना और स्वेलिंग आ जाएगी पूरी बॉडी के अंदर, फेस वगैरह सब स्वेलिंग आ जाएगी, आपकी नंबनेस हाथों के अंदर क्या है, आपको चुभन महसूस होगी, जैसे वो कांटे चुभ रहे हैं, सुन हो जाना हाथों का, ऐसी कंडीशन आना, आपके पेट के अंदर दर्द होगा, आंतों के नीचे का एरिया स्वेलिंग आ सकती है, यहां पर स्वेलिंग आ सकती है, तो ये कुछ इसके सिम्टम होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। आपका मूड भी चेंज होता है और सेक्स ड्राइव में भी कम या ज्यादा होता है। अब इसके बाद करते हैं अपने बात कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से लेंगे। तो ट्रीटमेंट की है, हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए। तो इंफॉर्मेशन के अंदर बात करें ट्रीटमेंट की, तो अगर कम हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या लेंगे। देखिए, ऐसे में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आपका हार्मोन कम हो रहा है तो इसके अंदर आपको थायरोक्सिन हार्मोन दिया जाएगा, जिसके अंदर मेनली जो यूज किया जाता है लिवोथायरोक्सिन होता है। लिवोथायरोक्सिन की आपको टैबलेट स्टार्ट हो जाती है, छोटी सी डब्बियों में आती है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये आपके जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक चलती रहती है।
ये फर्स्ट क्लास मेडिसिन है, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है और प्राइमरी यही यूज की जाती है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। इसे ड्रग रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। लिवोटी नाम से भी आती है और भी काफी ब्रांड नाम से आती है, जो आपको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपने, अगर हाइपर हो रहा है, अगर थायराइड बढ़ रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जब ये बढ़ता है तो आपका काम रहता है कि एंटी थायरोक्सिन मेडिसिन लीजिए। थायजामोल नाम से आती है, थाइमाजोल नाम से आती है, कार्बिनाजोल नाम से आती है। तो कुछ मेडिसिनें अलग अलग नाम से आती है जो आपके फर्स्ट क्लास में अपने मतलब ज्यादातर यूज की जाती है। कई बार कंडीशन आ जाए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ली जाती है। ये कब होती है? अगर आपको हाइपर थायरॉयडिज्म है और आप मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, आपके थायरॉयड को ही हटा दिया जाता है, सर्जरी की जाती है और थायरॉयड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। अब थायरॉयड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है तो काफी कॉम्प्लिकेशन आती है। थायरॉयड ग्लैंड आपके इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है, आपके कुछ नर्व सेंसेशन को कंट्रोल करता है, आपके वेट, आपके सेक्स इसको कंट्रोल करता है। इन सब में क्या हो, गड़बड़ हो जाए तो इसलिए क्या करता है, ऊपर से आपको जब अगर आपने ये निकलवा दिया है तो आपको लाइफ टाइम के लिए हार्मोन, जो लिवोथायरेक्सिन वगैरह हार्मोन है, ये आपको कंटिन्यूसली चलाने पड़ेंगे। सर्जरी करने के बाद कंडीशन आ गई है कि हार्मोन आपके अंदर अब बनना बंद हो गया, तो इसके अंदर ये चलाए जाते हैं। कुछ बीटा ब्लॉकर का यूज भी किया जाता है, रेडिएट आयोडाइनाइज का यूज किया जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन होती है जिसका यूज किया जाता है। अब ये थायराइड है, आपकी बॉडी में काफी काम आते हैं, तो इन कामों का बिगड़ जाना, तो इसलिए हम इस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप मेडिकली क्या। थैंक यू वेरी मच।